आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1.3। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। हमारी जो रीडिंग क्लासेस हैं, यानी कि क्लास 10, क्लास 9, वो भी अवेलेबल है, उनका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जो क्लास 9th और क्लास 8th है उनके हम क्या कर रहे हैं कि मतलब नए सिलेबस की वीडियो भी है। अगर कोई बच्चा पुराने सिलेबस की वीडियो देखना चाहता है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ओके। और यहाँ से आप चैप्टर 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें है गुणनफलों को ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनफलों को ज्ञात करना है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं ए से लेकर जे तक क्वेश्चन दे रखे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है 3 × -1। क्या है? 3 × -1। अब देखो माइनस इससे गुणा हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का, गुणा का निशान है। अब देखो आपको माइनस को भूल जाना है, इग्नोर कर दो इसको कि भाई है ही नहीं। 3 को 1 से गुणा किया, बच्चा कितना आ गया? 3। अब ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ऐसे करना है क्विकली। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 225 है, -1 है, 225 है। 1 को 225 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। और ये माइनस है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ पे देखना माइनस और माइनस, इसको एक बार नहीं देखना। 21 को 30 से गुणा करना है, किससे? 21 को 30 से गुणा करना है। तो 21 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो 21 × 3 = 63 होते हैं, और इस जीरो की वजह से ये जीरो। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि इसके आंसर कितने आ जाएंगे? 630 आ जाएंगे, आ रहा है 630। अब देखो एक निष्कर्ष निकला, सर यहाँ पे तो इस साइड में माइनस था और यहाँ पे इस साइड में माइनस। बड़ा बच्चा क्या होता है कि माइनस है कोई भी साइड में हो, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? माइनस से लेपित आपकी क्या संख्या आएगी, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस से आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसके अगला क्वेश्चन है डी नंबर का क्वेश्चन देखो भाई। डी नंबर का क्वेश्चन है -316 गुणा में है -1, ठीक है। मैंने क्या किया था कि पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने 316 को 1 से, जैसे इसको मैं इससे गुणा कर देता हूं, 316 को 1 से गुणा करता हूं, 316 जाता है, ठीक है। और ये माइनस है और ये माइनस है, अगेन क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कि इसके आंसर भी कितने आ जाएंगे? 316। अब आ जाओ आप ई नंबर के क्वेश्चन। ई नंबर का क्वेश्चन है -15 × 0 × -18। अब बच्चा इसमें देखना -15 गुणा हो रहे हैं 0 से, गुणा हो रहा है -18, यानी कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो आपको क्या करना है? 15 को 0 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 0। अब इससे आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 0 आ गया, आगे वाली संख्या भी क्या है? गुणा में, यानी कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चा? 0 हो जाएगी। आ गई समझ में? जब 0 किसी संख्या से गुणा होता है तो वो दूसरी संख्या को भी क्या कर देता है? 0 कर देता है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम टू सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। जब 0 किसी में जुड़ता है तो जो जिस संख्या में जुड़ता है वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, यानी कि कई बार 0 में जोड़ देता हूं, 2 में 0 जोड़ दो तो क्या आता है? जिस संख्या में जोड़ा है वो संख्या ही प्राप्त हो जाती है। यानी कि 0 में 2 जोड़ दो तब भी क्या होता है? आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब गुणा की और भाग की बात करते हैं, यानी कि जब मैं 0 को किसी संख्या से गुणा करता हूं तो 0 उस संख्या को पूरा 0 कर देता है। और जैसे ये है 2 × 0 तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। और जो एफ का क्वेश्चन है इसमें है -12 × -11 और -10। आपको जैसा दिख रहा है क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही आपकी बुक में है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो बच्चा क्या आ जाएगा? इसको इससे गुणा करूंगा तो 110 आ जाएगा, ये 110 मैंने लिख दिया। अब गुणा करूंगा इसको मैं 12 से, ये लिखा मैंने 12 और गुणा किया 12 को 0 से गुणा किया 0, या फिर मैं एक एक स्टेप कर देता हूँ, 2 को 0 से गुणा किया, 2 × 2 = 2, ये गुणा का निशान, ये आगे 0, 1 1, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 1, कितना आ जाएगा यहाँ से? 1320 आ जाएगा, 1320 आ गए ना, ये मैंने लिखा 1320। अब देखो क्या होगा, 1320 तो आ गया अपना, लेकिन ये माइनस और ये माइनस सर कहोगी, अब ये माइनस अब क्या माइनस क्यों नहीं हुआ? देखो क्या हुआ, ये माइनस और ये माइनस गुणा हो गया और पूरी संख्या मेरी क्या होगी? प्लस में, यानी कि ये कितना आंसर आ जाएंगे इसके? 1320। ओके, आया समझ में?
चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 27। 9 को 3 से गुणा किया मैंने, आ गए 27। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 27 गुणा 6, और ये माइनस और ये माइनस आपका हो गया प्लस, इसके कारण ये संख्या होगी 9 × 3 = 27 और गुणा 6, या फिर पूरा एक साथ भी कर सकते हो। अब 27 को 6 से गुणा करना है, ये 27 लिखा और 6 से गुणा करो, 6 × 7 = 42, 4, 6 × 2 = 12, 12 और 4 आपके कितने होते हैं 16 होते हैं क्या भाई, 12 और 4 कितने होते हैं 16, यानी कि ये कितना आ गया 162। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस का, यानी कि ये आ जाएंगे प्लस के 162। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बेटा छोटा सा कमेंट कर दो, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस माइनस, यानी कि ये माइनस इससे कट जाएगा, एक माइनस बचेगा जो आपका गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 5 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे, 5 × 20 कितना आ जाएगा, 5 × 20, और गुणा में आपका कितना चल रहा है 18 चल रहा है। अब जो माइनस की प्रोसेस आपको समझ में आई क्या बच्चा, ये माइनस या फिर इन दोनों माइनस को ले लो, ये माइनस हो गया प्लस, और साथ में ये माइनस है ये माइनस, मैंने यहां लिख दिया, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, 5 को मैंने 4 से गुणा किया, 5 × 20, और साथ में क्या है 18। अब देखो आगे, 18 का पाड़ा 2 बार बोला, 18 × 2 = 36, और 10 ये लगाया और ये माइनस, ये इसके आंसर आ गए। बोलो कोई दिक्कत है तो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 3 जगह माइनस है, ये माइनस इस माइनस से कट गया, लेकिन ये माइनस बच गया जो मैंने इस माइनस को यहां लिख दिया। ओके आगे चलते हैं, 2 को 1 से गुणा किया, 2 × 2 = 6, 6 × 6 = 24 कितने आ गए -24, यानी कि आगे आंसर आ जाएंगे -24। कोई डाउट हो तो देख लेना बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा वैसे आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं, कई बार मैंने माइनस की गलती हो जाती है, बुक में अलग दिया होता है तो जो मेरे बोर्ड पे है ना वो सही है, ठीक है। यानी कि आगे चलते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा हो गई प्लस हो गई, और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस, यानी कि माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस तो आएगा ही नहीं। 6 को 3 से गुणा किया, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, 36 × 36 यानी कि प्लस के आपके पास बचा कितने आ गए प्लस के 36। बोलो समझ में आया क्या, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 ही किया है, और जो अगला क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, पिछले वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए राम राम, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।